जय हिंद दोस्तों, आप सब यकीन न करें लेकिन भारत का लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर विश्व के कई सारे देशों के लिए वरदान साबित हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया भर में कई लाख जानें बचाई जाती है। चाहे भारत का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या फिर भारत की फार्मा इंडस्ट्री या फिर बात कंस्ट्रक्शन या फिर ब्रिज निर्माण की ही क्यों ना, भारत हमेशा से ही एक टिकाऊ और सस्टेनेबल ऑप्शन बन के सामने आता है दुनिया भर के लिए। आज बात करेंगे भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। ABS सिस्टम का तो नाम आपने सुना ही होगा, यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिसका इस्तेमाल अचानक से लगने वाले ब्रेक और उससे होने वाले एक्सीडेंटों से बचा जाता है। लेकिन इसकी खामी ये थी कि इसका उपयोग हाई एंड महंगे टू व्हीलर और फोर व्हीलर में ही किया जाता था। इसमें कमाल की बात यह है कि भारत समेत दुनिया के वे देश जहां की जनता ज्यादा महंगे टू व्हीलर और फोर व्हीलर नहीं खरीद सकती, लेकिन भारत में डेवलप ABS के एक सस्ते वर्जन की वजह से दुनिया भर में लाखों करोड़ों जाने बचाई जा सकेंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल देश सहित कुछ छोटे एशियन और अफ्रीकन देशों को भी होने वाला है। खबर निकल के आ रही है कि अब कॉन्टिनेंटल भारत में सिंगल चैन ABS सिस्टम का विकास करने जा रही है, जिसका इस्तेमाल 100cc के एंट्री लेवल के टू व्हीलर में भी किया जा सकेगा। कॉन्टिनेंटल की इंडियन सब्सिडी सिस्टम के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में काम कर रही है और 2023 के खत्म होने से पहले इसे कमर्शियल लेवल पर छोटे 100cc के टू व्हीलरों के लिए भी लॉन्च कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है इसे हरियाणा के मानेसर में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ऐसे अफ्रीकन देश जहां भारतीय टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा मार्केट है, वहां भी इन्हें जल्द से जल्द एक्सपोर्ट किया जाएगा। तंजानिया, नाइजीरिया और जिम्बाब्वे कुछ ऐसे अफ्रीकन देश है जहां चाइनीज बाइकों को पछाड़ के भारत टू व्हीलर मार्केट में कब्जा जमा बैठा है और इन देशों में भारत से इंपोर्ट की गई बाइकों का इस्तेमाल बतौर टैक्सी किया जाता है और वहाँ पे इन बाइक टैक्सी को बूढ़ा बूढ़ा कहा जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अफ्रीकन सड़कों की मार झेलने के लिए भारतीय टू व्हीलर सक्षम है, लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम को लेके थोड़े खतरनाक हो सकते हैं। और अब इन ABS सिस्टम का इस्तेमाल करने के बाद अफ्रीकन मार्केट में भारतीय टू व्हीलर सेफ और सुरक्षित हो जाएंगे। विश्व के ज्यादातर देशों में कम पावर के टू व्हीलरों में ज्यादा सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अब भारत ने पहला कदम बढ़ा लिया है और अपने देश के लोगों के साथ साथ विश्व भर के देशों के लोगों की जान को बचाया है। आप सभी का इस खबर पर क्या मानना है, कमेंट्स करके अपने वैल्यूएबल विचार जरूर बताइए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।